हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अंकिता। तो आज हम जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाती हूँ। 40 क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, यानी कि पहले जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में, जो कि था 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे भी मनाया जाता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, इन इंडिया जीएसटी इज़ अ डुअल मॉडल ऑफ, किस देश से जीएसटी जो डुअल मॉडल है जीएसटी का वो लिया गया इंडिया के लिए, तो वो था कैनेडा। कैनेडा से ही ये जीएसटी का डुअल मॉडल आया है इंडिया में। नाउ हाउ मेनी जीएसटी स्ट्रक्चर्स आर देयर इन इंडिया, इंडिया में जीएसटी स्ट्रक्चर्स कितने हैं, वो हैं 3, जो कि हो गया आपका CGST, SGST और IGST। ये 3 जो है स्ट्रक्चर्स हैं इंडिया में जीएसटी के। विच कोड इज़ यूज टू क्लासीफाई गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी, ए है HSN कोड, बी SAC कोड, सी GST कोड, डी SAC और HSN कोड। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका डी SAC और HSN कोड। SAC में क्या होता है, ये है सर्विस अकाउंटिंग कोड, और HSN क्या है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो ये जो है इन्हीं दोनों के थ्रू क्लासिफाई किया जाता है गुड्स और सर्विसेज अंडर GST। SAC में सारे सर्विसेज क्लासिफाई होते हैं और HSN में सारे गुड्स क्लासिफाई किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज लेटर I इन IGST स्टैंड फॉर, IGST पहला क्या, इंटरनेशनल, बी इंटीग्रेटेड, सी इंटरनल और डी इंडियन। तो IGST का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो I क्या हो गया, बी ऑप्शन, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, GST इज डैश बेस्ड टैक्स, वो कौन सा बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन, ड्यूरेशन, डेवलपमेंट और डिविडेंड। तो GST जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन मतलब कि वो सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे लेवी किया जाता है, यानी कि जब कोई भी कंज्यूमर कोई गुड्स या सर्विसेज जब कंज्यूम करता है उस टाइम पे जो टैक्स लिया जाता है वो डेस्टिनेशन टैक्स होता है, और वही GST है। GST ने क्या किया है, जो स्टेप बाय स्टेप मैन्युफैक्चरर से लेके जो कंज्यूमर तक स्टेप बाय स्टेप जो टैक्स लगता आ रहा था, तो उसे एलिमिनेट करके डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स निकाला, जो कि है GST। इसलिए GST क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे लेवी किया जाता है जब कोई कंज्यूमर कोई गुड्स कंज्यूम करता है उसी टाइम पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टैक्सेस विल बी देयर इन इंडियन GST। वही ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर होगा 3, मैंने बताया है IGST, CGST और SGST। ठीक है, CGST जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ये कलेक्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, चार्ज भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये चार्ज भी स्टेट गवर्नमेंट करती है और कलेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट करती है, और IGST जो है वो चार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट अनाउंसमेंट टू इंट्रोड्यूस GST बाई 2010 वॉज मेड इन द ईयर, यानी कि पहला अनाउंसमेंट कब किया गया था कि 2010 में GST इंट्रोड्यूस हो जाएगा, पहला अनाउंसमेंट किस ईयर में किया गया था। तो चलिए इसके बारे में आपको बता दूँ। देखिए 2000 में ये जो आइडिया था GST का, ये सजेस्ट किया था अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने कि GST जैसा मॉडल होना चाहिए। ठीक है, 2000 में इन्होंने आइडिया दिया था, लेकिन अनाउंसमेंट कब की गई थी, 2006 में की गई थी, फेब्रुवरी में। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा कि अनाउंसमेंट कब की गई थी, तो फेब्रुवरी 2006 में अनाउंसमेंट की गई थी GST की कि April 1, 2010 तक GST इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि हुआ नहीं था, लेकिन
बोला गया, अनाउंसमेंट हुई थी 2006 में कि अप्रैल 1, 2010 तक जीएसटी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो जिसको यूनियन मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस अनाउंस किया था अपने 2006 और 7 बजट में, 2006 में कि जीएसटी इंट्रोड्यूस हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 में। तो इसका आंसर क्या होगा, 2006, यानी कि फर्स्ट अनाउंसमेंट 2006 में की गई थी कि जीएसटी 2010 में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ व्हाट आर द टैक्स लेवीड ऑन एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई वो होता है जब एक स्टेट के अंदर ही, एक जब बायर और सेलर एक स्टेट के अंदर ही हो, लाइक जैसे यूपी स्टेट ले लो, उसी में बायर भी है उसी में सेलर भी है, बेचने वाला भी है ख़रीदने वाला भी है, तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया। तो वहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, वहाँ पे आपका SGST और CGST दोनों लगेगा। SGST चार्ज जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, और CGST जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्टर लेगी, वो उनके पास चला जाएगा। तो इंट्रा स्टेट वो होता है जब एक स्टेट के अंदर ही बायर और सप्लायर हो, तो SGST और CGST लागू होता है। देखिए, व्हेन प्लेस ऑफ बायर एज वेल एज लोकेशन ऑफ द सेलर इज इन द सेम स्टेट, अ सेलर मस्ट कलेक्ट बोथ SGST एंड CGST फ्रॉम द बायर। सेलर क्या करेगा, कलेक्ट करेगा बायर से दोनों SGST और CGST। द SGST विल गेट डिपॉजिटेड विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड CGST गेट डिपॉजिटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, HSN कोड स्टैंड्स फॉर। ए है हार्मोनाइज सिस्टम नंबर, बी होम शॉपिंग नेटवर्क, सी हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एंड डी होम स्टेट नेटवर्क। तो मैंने बताया था ऊपर जो क्वेश्चन आया था कि HSN जो है वो इसका आंसर होगा हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसमें सारे गुड्स को क्लासिफाई किया जाता है GST में, और जो सर्विसेज होता है उसे SAC में क्लासिफाई किया जाता है, जो कि था सर्विस अकाउंटिंग कोड। ठीक है, तो HSN का क्या हुआ, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नाउ SAC कोड स्टैंड्स फॉर, देखिए SAC अभी मैंने बताया इसका आंसर क्या होगा, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। इसमें GST के अंडर जितने भी सर्विसेज होते हैं उसको इसमें क्लासिफाई किया जाता है। नाउ 12th क्वेश्चन इज द कंट्री विथ हाईएस्ट टैक्स स्लैब आफ्टर इंडिया इज। इंडिया के बाद इंडिया का जो टैक्स स्लैब है, लाइक 28% जो उसका टैक्स स्लैब है, उसके बाद सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब किसका है, ए कनाडा, बी साउथ कोरिया, सी USA और डी अर्जेंटीना। तो इसका आंसर क्या होगा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इंडिया के बाद सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब है उसका। नाउ GST एग्जेम्पशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इस हाउ मेनी लैक्स। यानी कि देखिए क्या होता है कि जो नॉर्मल स्टेट्स होते हैं और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, कुछ एग्जेम्पशन है। लाइक जो नॉर्मल स्टेट्स है उसमें 20 लाख का एग्जेम्पशन दिया गया है कि आपकी अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख है तो उनको एग्जेम्प्ट रखा गया है GST रजिस्ट्रेशन से, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को 10 लाख, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 10 लाख रखा गया है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 10 लाख और नॉर्मल स्टेट्स जो हैं उसमें 20 लाख है GST एग्जेम्पशन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर सिन टैक्स। ठीक है, सिन टैक्स में क्या क्या आता है, टोबैको, एल्कोहल, पान मसाला और ऑल ऑफ द अबव। तो सिन टैक्स में आता है आपका ऑल ऑफ द अबव। सिन टैक्स क्या होता है, सिन टैक्स आर इम्पोज टू डिस्करेज कंज्यूमर्स फ्रॉम यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच सीम्स टू बी अनडिजायरेबल और डेट्रीमेंटल टू सोसाइटी। यानी कि जो ऐसे गुड्स और सर्विसेज पे सिन टैक्स लगता है जो कि अनडिजायरेबल लगते हैं सोसाइटी के लिए, डेट्रीमेंटल, जो हानिकारक है सोसाइटी के लिए, उन्हें उस पर सिन टैक्स लगता है। तो इसमें क्या आ गया आपका, टोबैको आ गया, पान मसाला आ गया, अल्कोहल आ गया, तो इन सब पे सिन टैक्स लगता है। नाउ हु अलॉन्ग विथ हिस कमिटी डिज़ाइन GST मॉडल फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे फर्स्ट टाइम किसने अपनी कमेटी के साथ बैठ के GST मॉडल डिज़ाइन किया, अटल बिहारी वाजपेयी, आसिम दास गुप्ता, मनमोहन सिंह और सुजीत खंडेलवाल। तो इसका आंसर होगा आपका आसिम दास गुप्ता। इनकी कमेटी ने मिलके GST मॉडल फॉर द फर्स्ट टाइम डिज़ाइन किया था। नाउ कंबाइंड स्टेक ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन GST एंड इज़।
कंबाइंड स्टेट स्टेक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कितना है? 49% है, इसका आंसर होगा 49%। और बाकी जो 51% है वो आपके कुछ 5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डिवाइडेड हैं, लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का मिला के 49% स्टेक बनता है GSTN में। नाउ विच कंट्री इंट्रोड्यूस GST फर्स्ट? GST पूरे इसमें वर्ल्ड की बात की गई है, सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस में फॉर द फर्स्ट टाइम GST इंट्रोड्यूस हुआ कब? 1954 में। 1954 में फ्रांस में GST फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुआ था। नाउ हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ GST? GST का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो पहला क्या है? दीपिका पादुकोण, बी आमिर खान, सी सचिन तेंदुलकर और डी है आपका अमिताभ बच्चन। तो इसका आंसर होगा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जो हैं वो GST के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाँ, 19th क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स इन GST आइडेंटिफिकेशन नंबर? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 16। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 15। जो इसमें फर्स्ट टू कोड होता है 15 डिजिट का, तो पहली बार ये आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है GST का, जिसमें कि फर्स्ट टू कोड जो होता है वो फर्स्ट टू नंबर जो होता है वो स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी जो उसके बाद जो 10 डिजिट्स आते हैं, 10 नंबर आते हैं, वो आपके टैक्स पेयर का पैन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी के जो थ्री नंबर्स होते हैं वो उनको दिए जाते हैं। तो पहले टू के बारे में जो बात की गई वो है स्टेट कोड, और बाकी जो उसके बाद फॉलोइंग 10 नंबर्स हैं वो उसके पैन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो GST का आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है GSTN जो होता है वो 15 नंबर का होता है। देखिए, इन अ GST रजिस्ट्रेशन नंबर द फर्स्ट टू डिजिट्स रिप्रेजेंट्स द स्टेट कोड एंड द फॉलोइंग 10 डिजिट्स रिप्रेजेंट्स द पैन ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि टैक्स पेयर का पैन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ फॉर GST 122nd अमेंडमेंट बिल वॉज प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट ऑन, GST का जो 122nd अमेंडमेंट बिल था वो पार्लियामेंट में कब प्लेस किया गया था? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो GST था उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए 122nd बिल पूरे लगे थे और इंट्रोड्यूस किए गए थे पार्लियामेंट में, और 122nd बिल के इंट्रोड्यूस करने के टाइम ही ये GST इंट्रोड्यूस हुआ है। तो 122nd बिल कब प्लेस किया गया पार्लियामेंट? तो 2014, 2015, 2016 और 2011। तो इसका आंसर होगा 2014 में 122nd अमेंडमेंट बिल प्लेस किया गया था पार्लियामेंट के सामने ताकि GST इंट्रोड्यूस हो। अब देखिए, कुछ कंफ्यूजन ये रहता है कि GST 101 या फिर 122nd अमेंडमेंट है। तो इट इज़ GST जो अमेंडमेंट है वो है 101, ठीक है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है 122nd, यानी कि 122 बिल जो रखे गए थे उसमें से कुछ मटेरियलिस्टिक थे, यानी कुछ अप्रूव हुए कुछ नहीं हुए, कुछ मटेरियलिस्टिक थे कुछ अनमटेरियलिस्टिक थे, तो उसमें से कुछ छाट वाट के जो 101, यानी कि जब ये 122nd बिल पूरे उनके पार्लियामेंट के सामने रखा गया तो ये 122nd बिल ही इंट्रोड्यूस हुआ। तो जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो फाइनली जब GST पास हुई तो इसको 101 एक्ट का नाम दिया गया। तो GST एक्ट कितना है? 101, लेकिन कितने अमेंडमेंट बिल वहाँ पे पास किए गए थे? वो था 122, यानी 122nd अमेंडमेंट बिल। नाउ GST वॉज पास बाय राज्यसभा ऑन, GST राज्यसभा से कब पास हुआ था? वो था 3 अगस्त 2016, ठीक है, ये एक सीरीज़ आप याद रखना। पहले राज्यसभा से GST 3 अगस्त 2016 को पास, फिर लोकसभा से GST बिल आपका 8 अगस्त 2016 को पास हुआ था, यानी कि राज्यसभा से ये 3 अगस्त को पास हो गया था और लोकसभा से ये 8 अगस्त को पास हो गया था, यानी कि 5 दिन में ये राज्यसभा से लोकसभा पास हो गया था। अब देखिए, अब क्या है कि प्रेसिडेंट, उसके बाद क्या है कि प्रेसिडेंट के पास जाता है पास होने के लिए। तो प्रेसिडेंट ने इसे कब मंजूरी दी थी? प्रेसिडेंट ने ठीक एक महीना बाद, जो कि है आपका 8 सितंबर 2016 को, इस GST बिल के लिए मंजूरी दी थी। देखिए, फिर से हम लोग देखें, राज्यसभा से ये 3 अगस्त को पास हुआ,
लोकसभा से ये 8 अगस्त को पास हुआ और सीधे एक महीना बाद आपका प्रेसिडेंट से ये 8 सितंबर को पास हुआ। सब कुछ है 2016 की बात चल रही है, तो 3 अगस्त, 8 अगस्त और 8 सितंबर, तो ऐसे ऐसे ये जाके जीएसटी बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। नाउ जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी, किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे जीएसटी इंट्रोड्यूस की गई, तो इसका आंसर है विजय केलकर कमिटी। नाउ इन जीएसटी काउंसिल स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अ वेटेज फॉर हाउ मेनी राइट्स, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना वेटेज है राइट्स का, तो उनके पास है 2/3 का। तो आपको तो इससे क्या पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना है, 1/3 का वेटेज है राइट का। नाउ हेडक्वार्टर ऑफ जीएसटी काउंसिल, देखिए जीएसटी का पहली बात तो ये जान लीजिए कि जीएसटी काउंसिल बना होगा, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल जो बना, जीएसटी के गवर्निंग जो बॉडी है, जीएसटी काउंसिल जो बना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जीएसटी काउंसिल फॉर्मेशन बेस्ड ऑन आर्टिकल नंबर, जीएसटी काउंसिल फॉर्मेशन यानी जीएसटी काउंसिल जो कि जीएसटी को गवर्न करता है, वो किस आर्टिकल में रखा गया, उससे आर्टिकल 279A में रखा गया, जीएसटी काउंसिल को 279A में रखा गया है। नाउ हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन है, होता है जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन है फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, ना तो प्राइम मिनिस्टर, ना आरबीआई गवर्नर, ना प्रेसिडेंट, जबकि उसका जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। नाउ जीएसटी फाइनेंस मिनिस्टर्स फर्स्ट पैनल चेयरमैन, सबसे फर्स्ट जो पैनल था जो उसमें चेयरमैन बने वो कौन थे जीएसटी काउंसिल में, तो वो थे अमित मित्रा जो कि वेस्ट बंगाल के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं। नाउ फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई जीएसटी बिल, फर्स्ट स्टेट जिसने पुष्टि की, जिसने स्वीकृति दी जीएसटी बिल के लिए, वो कौन है, वो है आपका आसाम। आसाम एक फर्स्ट स्टेट है जिसने स्वीकृति दी थी, जिसने रेटिफाई किया था जीएसटी बिल को, ठीक है। लेकिन देखिए दो क्वेश्चन बनता है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, फर्स्ट स्टेट टू पास जीएसटी बिल, तो ये था तेलंगाना, जिसने पास किया जीएसटी बिल को वो था तेलंगाना, और जिसने पुष्टि की, स्वीकृति दी, रेटिफाई किया जीएसटी बिल को, वो था आसाम। नाउ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम CBEC अनाउंस दैट एवरी ईयर जीएसटी विल बी ऑन, मैंने पहले भी बताया कि देखिए जीएसटी इंडिया में कब आया, 1 जुलाई 2017 में आया, इसलिए CBEC ने अनाउंस किया कि 1 जुलाई को ही जीएसटी डे हम लोग मानेंगे। नाउ अंडर जीएसटी इंश्योरेंस इज टैक्स्ड एट द रेट, इंश्योरेंस को किस स्लैब में रखा गया है, उसे रखा गया है 18% के स्लैब में, जीएसटी में इंश्योरेंस टैक्स होता है 18% पे। नाउ अंडर जीएसटी स्मार्टफोन्स इज टैक्स एट, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले अभी 2020 मार्च से पहले स्मार्टफोन्स को 12% पे टैक्स किया जा रहा था, लेकिन अब नहीं, अब नया जो बजट आया है उसमें जीएसटी में कुछ ऑल्टरेशन की गई है, जिसमें कि अब स्मार्टफोन्स को टैक्स किया जाएगा 18% पे, तो 18 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब 12% पे इसे टैक्स नहीं किया जाएगा, अब इसे 18% की कैटेगरी में रखा गया है। नाउ इंडिया इज़ ऑन विच नंबर टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, इंडिया में जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया तो वो किस नंबर पे था, किस नंबर पे इंडिया ने जीएसटी इंप्लीमेंट किया, तो वो है 161 नंबर पे इंडिया आता है जीएसटी इंप्लीमेंट करने के नंबरिंग में। नाउ हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी काउंसिल है जिसके बारे में मैंने बताया कि जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है, और जो कि गवर्निंग बॉडी है, जीएसटी रेगुलेट करती है, वो उसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, उसमें 33 मेंबर्स हैं, ठीक। जीएसटी काउंसिल इज़ द गवर्निंग बॉडी ऑफ जीएसटी हैविंग 33 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 2 मेंबर्स आर ऑफ सेंटर, ठीक है, एंड 31 मेंबर्स जो हैं, जो रेस्ट 31 मेंबर्स हैं, वो 28 स्टेट से हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज से हैं, ठीक है। 33 को बाइफिकेट किया गया है, जिसमें से कि 2 जो हैं वो सेंटर से हैं,
28 जो हैं वो स्टेट से हैं और बाकी के जो 3 बचे हैं वो यूनियन टेरिटरीज से हैं। नाउ जीएसटी काउंसिल केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, जीएसटी काउंसिल कब आया इफेक्ट में? जीएसटी काउंसिल इफेक्ट में आया था 12 सितंबर 2016 को। जीएसटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है फिर से याद दिला दूँ, न्यू दिल्ली में है और ये गवर्निंग बॉडी है किसकी, जीएसटी की, ठीक है। इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, 33, और ये कब इफेक्ट में आया, 12 सितंबर 2016 को। नाउ द मैक्सिमम रेट फॉर सीजीएसटी इज, सीजीएसटी जो कि चार्ज भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ये सीजीएसटी क्या होता है, जो कि एक स्टेट के अंदर ही जो सेल होती है वो उसको जो चार्ज करेगी और जो उसका रेवेन्यू करेगी वो सीजीएसटी के अंदर आता है और वो करता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और इसका जो मैक्सिमम रेट फिक्स किया गया है वो है 20%। मैक्सिमम रेट फॉर एसजीएसटी इज, एसजीएसटी क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है और कलेक्ट करती है। ये भी जो सेल्स स्टेट्स के अंदर होते हैं जिसमें बायर और सेलर एक ही स्टेट के अंदर होता है वहाँ पे एसजीएसटी कलेक्ट की जाती है और चार्ज की जाती है और इसका मैक्सिमम रेट फिक्स किया गया है 20%। रेट फॉर आईजीएसटी, आईजीएसटी क्या, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि इंटर स्टेट सेल्स पे लगाई जाती है, यानी कि जिसका बायर और सप्लायर दो अलग अलग स्टेट में हो, यानी मान लो एक यूपी में हो और एक बिहार में हो, और इन बायर कहीं और हो और सेलर कहीं और हो और उन दोनों के बीच बाइंग और सेलिंग का ट्रेडिंग चल रहा हो, तो आईजीएसटी लगता है। इसे चार्ज भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और इसका मैक्सिमम रेट क्या रखा गया है, 40%। 40% से ऊपर आईजीएसटी चार्ज नहीं किया जा सकता, इसमें सेलर बायर से 40% से ऊपर चार्ज नहीं कर सकता। तो ये था हमारा टोटल 40 क्वेश्चंस। इसका पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आपको ये थोड़ा भी कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।